मॉर्निंग क्लास। तो अब हमारा लाइव प्रोसेस जो क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है रेस्पिरेशन। आज हम उसको देखेंगे और उसी चैप्टर को लेके आगे डिटेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो किताब में दी गई है उसको समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन जो इसमें दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो गया। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन लास्ट सेक्शन। पीछे सेक्शन में हमने जो इससे पहला पार्ट है 6.2 उसमें देखा किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट लेता है, यानी माउथ से, उसके बाद वो ओसोफेगस के रास्ते होते हुए स्टोमक में कुछ प्रोटीन्स और कुछ चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, HCL से मिलता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये चीज़ हमने पीछे वाले चैप्टर में देखी। अब फिर देखते हैं इसके आगे क्या कहा गया है। ठीक है, द फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस लाइफ प्रोसेस। मतलब जो हम खाना खाए हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रखा हुआ है, अब वो न्यूट्रिशन टूट कर एनर्जी देगा जिससे हमारे जो प्रोसेस हैं लाइफ की बॉडी के अंदर जो होती हैं वो होंगी। मतलब ये कहा गया जो फूड मटेरियल हमने खा लिया है, न्यूट्रिशन खा लिया है, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी या प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो देखेंगे। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म टू डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से ये एनर्जी अपने अंदर बनाते हैं जो खाना खाया है उससे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली इंटू CO2 एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं जो खाना खाया है वो उसमें जब ऑक्सीजन मिलती है तो पूरा खाना टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब कि हमने फूड खा लिया ये, ठीक, माउथ से ये कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने लिया है ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये टूटे किस में? ग्लूकोज में। ठीक, अब ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलेगा यानी जब सांस लेते हैं उस समय ये ग्लूकोज टूट जाएगा CO2 और पानी में, ऐसा यहाँ लाइन कह रही है। ठीक है ना, ऐसी लाइन का ही है इसमें। ठीक है, सम यूज अदर पाथवे। कुछ लोग अदर पाथवे इस्तेमाल करते हैं, अलग रास्ते से भी अपना ऑक्सीजन लेके एनर्जी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते ही नहीं है इन ऑल केसेस। लेकिन इन सब केसेस में पहला स्टेप यही रहता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज मिला कार्बोहाइड्रेट जो खाया है स्मॉल इंटेस्टाइन ने हमारे, किसको? ग्लूकोज दिया हमारी बॉडी को। ठीक है ना, और जो खाना खा लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में बदल गया। सब में यही होना है पहली मेनली चीज। फिर ये ग्लूकोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज में 6 कार्बन रहते हैं, जिसमें ये टूटेगा उसे कहते हैं पाइरूवेट। क्या? पाइरूवेट। फिर ये पाइरूवेट हमारे 3 कार्बन में टूटेगा, कितने में? 3 में। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ऐसी लाइन यहाँ लिखी है ये। फर्दर द पाइरूवेट में भी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज में, ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट में, फिर ये पाइरूवेट टूटेगा इथेनॉल में, यानी C2H5OH में टूटेगा। ठीक है, H5OH में और CO2 में प्लस CO2। ये कब टूटेगा इसमें? जब हमारी क्या ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रही हो, यानी अल्कोहल फॉर्मेशन करनी हो, तो ये वाला स्टेप हमको यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें एयर है वो एब्सेंस रहे, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। तो अब इसको सिंपल वे में समझिए। सिंपल वे में ये कह रहा है, जिसको थोड़ा हम लोग डार्क कर लें, सिंपल वे में कहा है कि हमने ग्लूकोज लिया, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट्स मिला हमको, ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट में, किसमें? पाइरूवेट में। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी तो ये किसमें टूट गया? इथेनॉल में, जिसे C2H5OH अल्कोहल कहते हैं एक तरीके से, और दूसरा CO2 में। तो जब ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगी तो इन दोनों चीज़ों में टूटेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है ये लाइन में। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है और उसके बाद हमें एनर्जी मिल रही है, या फिर अल्कोहल मिल रहा है, या फिर CO2 मिल रहा है। ठीक, आगे ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये पाइरूवेट, पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट में, फिर अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन इससे अटैच होगी पाइरूवेट से तो ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो क्वेश्चन हो गए, ग्लूकोज जब पाइरूवेट में टूटता है तब होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और जब यही पाइरूवेट ऑक्सीजन इससे मिलता है तब ये टूटता है, तो ये चीज़ होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे इसको। दिस प्रोसेस ब्रेकअप
क्या दिस प्रोसेस ब्रेक अप इन थ्री कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव थ्री मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ये कहा गया है, तुम कहाँ पे थे, कि जो हमारा ग्लूकोज है वो तीन कार्बन पाइरूवेट में दिया, प्लस तीन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के दिया, और प्लस प्रोडक्ट में वाटर दिया और एनर्जी दी, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, जो एरोबिक क्वेश्चन आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो हम बताएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जो ग्लूकोज पार्टिकल हैं वो टूट रहे हैं किसमें, थ्री कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल में, प्लस थ्री कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ये चीज़ हमको जिन रिएक्शन के दौरान मिलेगी उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और सिंपल में एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगी और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगी। इस प्रोसेस को हम, इस डिफरेंस को हम रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी बात ये कही गई है इसमें कि द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस अ लॉट ऑफ ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। जो एनारोबिक प्रोसेस में एनर्जी मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी हमें एरोबिक में मिलती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन जिससे प्रेजेंट रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे बॉडी की जो भी प्रोसेस हो रही होंगी, चाहे दिल का धड़कना या लंग्स का जो ऊपर नीचे होना, ऑक्सीजन को कैप्चर करना या माइंड को चलना या फिर हम लोगों को मसल्स को काम करना, ये सब हमें कौन सी रेस्पिरेशन में, एरोबिक में मिलता है, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है। इतनी बात इसमें कही गई है। समटाइम्स वेन देर इज़ अ लेक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल्स, लेकिन जब ऑक्सीजन जो लेक रहेगी बिल्कुल ही नहीं रहेगी, तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारी कहाँ होगी, मसल्स में, तब क्या, पाइरूवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा पाइरूवेट, ठीक, और तीन कार्बन मॉलिक्यूल मिलेंगे। बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी ऑफ क्रम्प्स, जो कभी कभी क्या हो जाता है, अरे मसल्स थोड़ी दर्द सी करने लगती हैं, बेचैनी सी होने लगती है, मसल्स क्रैम सी करने लगती है, सुकून सी आ जाती है, तो ये ऐसा कब होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे ये समस्या आने लगती है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें, पहला एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन एबसेंट है, और लास्ट में ये मसल सेल वाली जिसमें ऑक्सीजन लेक है ही नहीं बिल्कुल ही। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। एनारोबिक में क्या हो रहा था, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट पाइरूवेट में, और पाइरूवेट के बाद में इथेनॉल में और CO2 में। एरोबिक में क्या हो रहा था, ग्लूकोज है पाइरूवेट में आएगा, फिर उसमें CO2 मिलेगा, फिर H2O मिलेगा, फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, तो एरोबिक हमारे अंदर होता है। ये देखो सिंपल इसने कोशिश की है डायग्राम से समझाने की। ग्लूकोज है, छः कार्बन मॉलिक्यूल हैं, साइटोप्लाज्म होगा, पाइरूवेट बना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होगी जिसमें इथेनॉल CO2 एनर्जी मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 ये माइटोकॉन्ड्रियम होगी, ह्यूमन बींग होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी हमको मिलती है। तो ये अलग अलग रास्ते हैं जिससे ग्लूकोज टूटता है एनर्जी में और एनर्जी देता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन, वो मतलब ऑक्सीजन के मिलने पे, तो ये एनर्जी जो मिल रही है इसको एक वर्ड दिया गया ATP। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP इज ब्रेक डाउन गिव्स राइज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। तो ATP जैसे ही ब्रेक डाउन होती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिससे वो चलता है और मेहनत करता है, मतलब एक तरह से थकता नहीं है। तो इसलिए एक प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर डाइट से हमें खाना खाना चाहिए, जिससे एक प्रॉपर मात्रा में एनर्जी मिले, हमको समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। अब इसने थोड़ा ATP को डिस्क्राइब कर दिया कि ATP क्या होता है और कैसे बनता है, तो ये आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा ATP क्या है। तो वैसे ATP क्या है, एक एनर्जी करेंसी है किसी भी सेल की, जिसकी वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। रेस्पिरेशन का क्या यूज़ है, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन अपने बॉडी में नहीं जाएगी तो ATP बनेगी नहीं, ATP बनेगी नहीं तो एनर्जी मिलेगी नहीं, एनर्जी मिलेगी नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगी, ठीक है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंडेंट ऑक्सीजन, वही चीज़ लिखी है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस पर डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन। लेकिन एरोबिक में क्या है, इसमें ऑक्सीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसमें, एनारोबिक में। तो एरोबिक वाले मस्ट है उनको ऑक्सीजन मिलना, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जो हम सांस लेते हैं वहाँ से। वी हैव सीन प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा, जो प्लांट्स हैं वो अपनी गैस एक्सचेंज किससे करते हैं, स्टोमेटा जो पत्तियों में छोटे छोटे होल होते हैं उनसे
एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल कंटेन विद द एयर, उनके अंदर स्पेस रहता है जहाँ एयर बनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सटेंड बाई डिफ्यूजन, और जो CO2 है और ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के द्वारा CO2 बाहर से आएगी और ऑक्सीजन ये लोग छोड़ेंगे। ठीक, ये प्लांट का हो गया है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। और अवे फ्रॉम देम आउट और वो एयर निकल जाती है। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशन, ये प्लांट का बोला गया। आप लोग देख लेना, प्लांट में हम लोग जानते हैं दिन के दौरान वो CO2 लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल में खाना बनता है और ये हमको ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम लोग ले लेते हैं, ये सब इसमें बोला गया है। ठीक है, एनिमल हैव एयर डिफरेंट ऑर्गन टू अपटेक ऑक्सीजन, लेकिन एनिमल में क्या है, एनिमल में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हम बाहर से ऑक्सीजन कैप्चर करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स लिव इन वाटर नीड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो टेरेस्ट्रियल मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर रहते हैं यानी ज़मीन पर रहते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे ब्रीथ करेंगे अंदर एटमॉस्फेयर से, और जो एनिमल्स हैं जमीन वो पानी में रहते हैं वो जो पानी है डिजॉल्व वहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, आगे पहुँचते हैं, उसके बाद क्या बात कही गई है इसने। ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कम्पेयर टू द अमाउंट ऑक्सीजन इन द एयर, ये बोलना चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो एयर में हमारी क्या है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ, हाँ जो अमाउंट डिजॉल्व है ऑक्सीजन वो कम है किसकी अपेक्षा, जो एयर में जहाँ तक सीधे एयर में वैसे भी ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी। ठीक है ना, ये बोला गया था रेट ऑफ ब्रीथिंग इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, इस वजह से क्या है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है और बाहर की ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जो पानी वाले ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी क्या करते हैं सांस ले लेते हैं। सीधी सी बात है भाई, पानी है, पानी में H2O से वैसे ही मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगी, और हम लोगों में क्या टेरेस्ट्रियल रहते हैं तो हम लोगों को पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन लोग इतना पोल्यूशन करते हैं कि ऑक्सीजन नहीं ले पाते। फिशेज टेक इन द वाटर थ्रू देयर माउथ, जो फिशेज हैं वो माउथ से पानी अपने अंदर लेती हैं और गिल्स द्वारा ऑक्सीजन लेके बाहर कर देती हैं, मतलब गिल्स उनके जो मछलियां हैं उनके गर्दन पे गिल्स रहेंगी जिसकी वजह से क्या करती हैं जो ऑक्सीजन है वो आती है पानी द्वारा और गिल्स से पानी बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन वो बॉडी के अंदर यानी ब्लड में चला जाता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल का उल्टा है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले जानवर हैं उनका उल्टी कहानी है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं हमारे, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग करते हैं तब। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं इस ऑक्सीजन को लेने के लिए। दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया विच हैव कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर, तो क्या करते हैं जो टेरेस्ट्रियल वाले ऑर्गेनिज्म है वो जो ऑक्सीजन है वो लेते अपने बॉडी अंदर अलग अलग तरीके से, ऑर्गन जो है उनके हिसाब से उनके अंदर जाती है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया विच इज कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन CO2 हैज टेक प्लेस अक्रॉस द सर्फेस, ये बोला गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास अपने स्ट्रक्चर रहते हैं जिससे वो इंक्रीज एरिया अपनी सरफेस इंक्रीज कर लेते हैं जिससे ऑक्सीजन जो है वो उनके अंदर पहुंच जाती है और CO2 है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, इतनी बात इसमें कही गई है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इज यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इनको बचाने के लिए ये मतलब जैसे ऑक्सीजन आएगी कहीं और ना चली जाए, प्रॉपर मात्रा में ही जाए जितनी लेनी है CO2, प्रॉपर मात्रा में ही आए कहीं इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए एक स्पेशल ऑर्गन बनाए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है और बॉडी के अंदर डाले गए हैं। सो देयर हैव अ पैसेज दैट विल एयर टू दिस एरिया, जिस एरिया से वो क्या ऑक्सीजन अंदर जाएगी। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग इन एयर एंड आउट ऑफ दिस एरिया ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड, अब ये बोल रहा है जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो हमारे क्या होगा, जो लंग्स हैं जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी CO2 बाहर जाएंगे, दोनों के दौरान जो हमारे डायफ्राम है या जो लंग्स हैं वो ऊपर उठेंगे फिर नीचे जाएंगे, इस तरीके से इसकी एक मैकेनिज्म भी है। अब इसको आगे और देखते हैं क्या कहा गया है। इन द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग की बात कर रहा है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, जो नाक होती है हमारी, ठीक है ना, नाक है ये दोनों कैसा बन गया है, हाँ ये हमारी नोज है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं ये नोज हो गई हमारी, इसके द्वारा ही हमारी ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, अंदर आ गई, द एयर पैसेज थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड फाइन ईयर, जो हमारे इनके अंदर छोटे छोटे होल्स वो हेयर्स होंगे, उन हेयर्स के जरिए जो अपनी हवा आ रही है या एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, वो फिल्टर्ड हो जाएगी, फिल्टर्ड मतलब अच्छी हवा अंदर जा पाएगी, जो भी गंदगी चीज आएगी मटेरियल आएगी वो हमारे नोस्ट्रिल में या नखनों में भर जाएगा।
द पैसेज ऑल्सो लैंड विद म्यूकस, इसके अंदर म्यूकस भी होगा जिससे अगर मिट्टी आ रही तो वहाँ चिपक जाएंगी, तो ये आसानी से हमारी जो ऑक्सीजन है वो अंदर चली जाएगी। फ्रॉम हेयर द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट, अब उसके बाद में ये गले में पहुँचेगी, इन टू द लंग्स, फिर ये लंग्स में जाएगी। नीचे डायग्राम देखो, इसमें दिखाया गया वो डायग्राम, ये रहा देखो हमारा, ठीक है, ये हमारा नोज रही, उसके बाद ये गले में पहुंच गई, ऐसे ही बोला गया गले में पहुंच गई, एंड इन टू लंग्स, फिर लंग्स में पहुंच गई। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट द थ्रोट, जो कार्टिलेज होती है ट्रैकिया, एक ट्रैकिया की बनी हुई एक लाइन होती है, वो क्या करती है, वो गले में होती है, अभी आपको दिखाएंगे, इसमें दिखाया जाएगा। दैट इंश्योर दैट द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स, जिसकी वजह से एयर जो पैसेज है रास्ता वो कोलैप्स नहीं होता है, सीधी ऑक्सीजन हमारे ट्रैकिया में जाती है। देखो ट्रैकिया को हम डिटेल में देखते हैं, ट्रैकिया कहाँ है, ये देखो ये हमारे नोज पैसेज है, इसी रास्ते से आ रही है हमारी ऑक्सीजन, गले में पहुंची। अब ये है जो ट्रैकिया, जो इस ऐसा बना हुआ है ऐसा, ठीक, इसे ट्रैकिया कहते हैं, इसी रास्ते से हमारी ऑक्सीजन अपने लंग्स तक पहुंचती है। फिर जब ये ट्रैकिया हमारी दो भागों में बट जाएगी, कितने, दो भागों में, ठीक, ये लंग्स बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखो दो भागों में बट गई है, तो इसे कहेंगे, फिर जब ट्रैकिया दो भागों में बटेगी तो इसको बोल देंगे ब्रोंकाई, ठीक, और जब ये फर्दर डिवाइड होगी और चीज़ों में इस तरीके से, इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ऐसा इसमें अभी दिखाया जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को कि कहाँ कैसे क्या बोला गया है, ठीक है। तो हमने क्या ऑर्गन पढ़ लिए, इसके कौन कौन से हैं, ह्यूमन बींग में ऑक्सीजन कैसे आएगी, पहले नोज़ है, उसके बाद में थ्रोट है, ठीक है, उसके बाद में थ्रोट, उसके बाद में ट्रैकिया है, उसके बाद में ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकियोल्स हैं, फिर लंग्स हैं, और उसके बाद में एल्वोलाई है। ये सिक्वेंस हो गया एक हमारे ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना। एल्वोलाई क्या करती है, ये ब्लड तक, ब्लड को पहुंचा देती है, और ब्लड क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाता है। अब इसको अभी स्टेप और देखेंगे किस तरीके से होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इन टू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब, अभी बताया है कि जब लंग्स में, लंग्स के अंदर में छोटे छोटे जो ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, उससे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर, उसे एल्वोलाई कहते हैं। अब देखो एल्वोलाई क्या चीज़ है, मतलब ये हमारा ट्रैकिया आया, ये हमारे डिवीजन हो गया इसका, यह हमारा लंग्स लगा हुआ है, तो फर्दर ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, जो क्या करेंगे, इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला गया है, एल्वोलाई। ये एल्वोलाई जो ऑक्सीजन ऊपर से आ रही है उसको पकड़ेगी, अपने अंदर कर देगी, यानी ब्लड में मिला, ब्लड के पास पहुँचा देगी, और CO2 ब्लड से पकड़ेगी, वो बाहर निकाल देगी। तो ये कौन करती है, एल्वोलाई। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, द एल्वोलाई प्रोवाइड सर्फेस एरिया विद एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, सीधे वही जो बात बोली वही बोला कि एल्वोलाई क्या है, सर्फेस एरिया बढ़ा देती है जिससे गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है। द वॉल ऑफ एल्वोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, इनके अंदर क्या है, एल्वोलाई के अंदर ब्लड वेसल का बहुत अच्छी तरीके से एक नेटवर्क बना रहता है, जिसे आसानी से जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन ये कैप्चर कर लेती हैं, और जब सांस बाहर छोड़ देते हैं तो बाहर छोड़ते हैं तो CO2 को ये बाहर कर देती है, और जब हम ब्रीथ करेंगे तो हमारी रिब्स हैं वो क्या करेंगी, रिप्स हैं वो हमारी थोड़ी आगे की तरफ फूलेंगी, और डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाएगी, जिससे हम सांस हमारी अंदर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एयर है वो हमारी लंग्स में भर रही है, एल्वोलाई एक्सपेंड हो रहे हैं, एल्वोलाई फूल रहे हैं, लंग्स अंदर आ रही है, इसकी वजह से रिप्स हमारी लिफ्ट हो जाएंगी और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, कब, जब ऑक्सीजन आएगी। लेकिन जब ब्लड वापस CO2 जो हमारा क्या कहते हैं CO2 लंग्स, वो जो ब्लड है एल्वोलाई को लंग्स देगा, क्या बोल दिए, जो CO2 ब्लड में है वो पहुँच गया एल्वोलाई में, फिर एल्वोलाई के पास लंग्स, लंग्स के बाद में वो ब्रोंकाई, फिर उल्टी पोजीशन लगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, तो हमारा जो लंग्स है वो डायफ्राम वो रिलैक्स करेगा, और लंग्स रिलैक्स करेगा, रिब्स रिलैक्स करेंगे। वही बोला था, ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलीज इन टू एल्वोलाई, वापस कर दी जाएगी, ऑक्सीजन इज एल्वोलाई या टेक अप बाई ब्लड, वही चीज़ है जो ब्लड वेसल्स एल्वोलाई के अंदर है, वो क्या करेंगी, ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगी, और फिर वो ब्लड पूरे बॉडी में सेल्स में किसको, ऑक्सीजन को लेके जाएगा। ड्यूरिंग अ ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन और आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज सफिशियंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, मतलब ये कहना चाहते ये चाह रहा है कि इसमें भी अंदर कुछ मैथमेटिकली तरीके से वैल्यू रहती है कि कितनी ऑक्सीजन आनी है, कितनी CO2 बाहर जानी है। ये जब आप 11th में आएंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनकी रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है सबकी, ठीक है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, अगर किसी इंसान का बॉडी साइज लार्ज है तो डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक कैरी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, इंस्टेड रेस्पिरेटरी मूवमेंट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन लंग्स एंड कैरी इट टिश्यू विद डिफिशियंसी इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गन्स रहते हैं उनमें अकेला डिफ्यूजन ही ऐसा नहीं है जो ये काम कर सके, और भी चीज़ें मिलकर ये काम हेल्प करती हैं, इनको ऑक्सीजन अंदर पहुँचाने में हेल्प करती हैं, ठीक है।
इंस्टीड उसके बाद इन ह्यूमन बींग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। हम लोग हम क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब जिसकी वजह से ब्लड रेड रहता है। तो अभी तक आपने सोचा होगा कि हीमोग्लोबिन का केवल काम यही है कि ब्लड लाल होता है, नहीं, उसका मेनली काम ये है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को कैप्चर करना। ब्लड में जितना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा उस तरीके से ऑक्सीजन कैप्चर होगी और अच्छी तरीके से खाना टूटेगा अपने बॉडी में, और क्या खाना टूटने के बाद में अच्छी वाली एनर्जी मिलेगी। ठीक है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्स। ये पिगमेंट कहाँ रहता है, रेड ब्लड सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज, हेंस द मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। मतलब इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है पानी में ऑक्सीजन की अपेक्षा, लेकिन हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। और ये CO2 जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरीके से हमारे पूरे ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है और पूरे सेल तक पहुँच जाती है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन खत्म हुआ। इसमें हमने आज क्या कवर किया वो नॉर्मली देख लो, नोज, नोस्ट्रिल, उसके बाद में थ्रॉट, ट्रेकिया, ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के बाद में कौन आएगा, वो ये दो भाग टूट गया, ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वोलाई, फिर ब्लड, और ब्लड के बाद सीधा सेल। इस तरीके से हमारी ऑक्सीजन है जो अपने अंदर पहुंचती है, और जैसे ही ब्लड में पहुंचेगी, ब्लड मतलब माइट्रो ऑक्सीजन लेके आ गई, अब ब्लड से मिलेगी, फिर ये ऑक्सीजन पहुंचेगी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे खाना रखा हुआ है वो खाना को तोड़ेगी और उससे ATP मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, फिर हम अपना काम कर पाएंगे। मैकेनिज्म क्या होगी, जो हमारा डायफ्राम है, चेस्ट है, वो फूलता है, पिचकता है, वो कब, जब CO2 बाहर जाती है तब, और O2 अंदर आती है तब। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब थर्ड पार्ट इसका है, उसको कवर करेंगे कि अब सर्कुलेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ये कुछ 4 क्वेश्चन आंसर हैं, इनको देख लेना, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं।